मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गंभीर बिजली का संकट आन पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में दो दो घंटे की कटौती शुरू हो गई है। 10-10 जिलों के क्लस्टर बनाकर बिजली की कटौती हो रही है। प्रदेश में बिजली की जरूरत 10,000 मेगावाट है, लेकिन 8,000 ही उपलब्ध है और इसके चलते कमी को पूरा करने के लिए बिजली की कटौती शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि कोयला कंपनी ने सरकारी भुगतान न होने पर सप्लाई बंद कर दी है। वहीं सिंगाजी पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन आधा हो गया है। सिंगाजी पावर प्लांट की 2400 मेगावाट में से 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादन इकाइयां भी बंद है, जबकि संजय गांधी पावर प्लांट में भी कोयला खत्म होने की कगार पर है। दोनों पावर प्लांट से बिजली उत्पादन रुकने से बिजली का संकट और गहरा सकता है। तो वहीं कमलनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे प्रियव्रत सिंह का सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिजली खरीद कर भी जनता को बिजली नहीं दे पा रही है। सरकार ने सब्सिडी रोककर प्रदेश को बिजली संकट में डाल दिया है। बिजली अभियंता संघ ने भी राज्य सरकार को चेताया है। बिजली अभियंता संघ का कहना है कि कोयले की कमी के कारण बिजली संकट के हालात बन रहे हैं। संघ ने सरकार से कोयले का भुगतान करके संकट से निजात देने की मांग की है। बिजली अभियंता संघ के महासचिव वीके एस परिहार का कहना है कि सरकार से पहले ही हालात बता दिए गए थे।